हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका बुक्स आर चैनल पर। तो इसमें अपन सितंबर 2022 का जो करंट अफेयर है उसको क्विक रिवीजन में देखेंगे और जो भी मुख्य घटनाएं थी 2022 के अंदर उनको इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भारत ने श्रीलंका को सौंपा समुद्री टोही विमान। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत ने किसको समुद्री टोही विमान सौंपा था। तो डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को भारत ने सौंपा था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया था। ठीक है, और कारण कुछ ये हुआ था कि क्योंकि श्रीलंका ने चीनी जहाज युआन वांग 5 को अपने दक्षिणी बंदरगाह हम्बनटोटा पर रुकने की मंजूरी दी थी तो भारत ने इसका विरोध किया था और फिर भारत ने डोर्नियर दे दिया श्रीलंका को कि आप निगरानी रखिए अपनी तटीय क्षेत्र की। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारत की 2022 में यात्रा की थी। इब्राहिम मोहम्मद सोहिल। और इन्होंने कुछ क्या है जो समझौते हुए थे भारत और मालदीव के बीच में, जब जब सोहिल आए थे तब। तो एक जुम्मा मस्जिद, ऐसे पूछा जाता है जुम्मा मस्जिद कहाँ पर है। तो जुम्मा मस्जिद है मालदीव के अंदर। उसकी मरम्मत की समीक्षा की थी कि भारत मरम्मत उसकी करेगा। जुम्मा मस्जिद मालदीव। और मालदीव के कौन है राष्ट्रपति। इब्राहिम मोहम्मद सोहिल। ठीक है, फिर देखें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण को सार्वजनिक मानवाधिकार घोषित कर दिया। ठीक है, किसने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण सामाजिक सार्वजनिक मानवाधिकार है सभी का। ठीक है, और ऐसा 28 जुलाई 2022 को यूएनओ ने घोषित कर दिया था। फिर है कि भारत करेगा आतंकवादी निरोधी समिति की बैठक की मेजबानी, क्योंकि ये 2022 के हैं। तो 2022 के अंदर क्या है, भारत ने किसकी की थी, CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता की थी 2022 में भारत ने। और यह किसकी कमेटी है, यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। किसकी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और इसका मेजबानी नई दिल्ली और मुंबई के अंदर हुई थी 2022 के अंदर। भारत ने CTC की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और फिर ये लिखा हुआ देखो, उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, और CTC की स्थापना कब हुई थी, 2001 के अंदर जो 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था ना, उसके बाद CTC की स्थापना की थी। और फिर देखें कि वर्तमान में भारत 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हैं और इसका कार्यकाल इस साल दिसंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा। फिर देखें कि सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य ये हैं, लेकिन 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से, चीन और रूस तो अपने एशिया के हो गए, फ्रांस और ब्रिटेन हो गए यूरोप के, और एक है अमेरिका। ठीक है, यह है 5 स्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। फिर है अमेरिका कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कांग्रेस है जो अमेरिका का लोअर सदन है, ठीक है, क्या निचला सदन है, तो इसकी स्पीकर कौन है, नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने 2022 में ताइवान की यात्रा की थी और इसका विरोध चीन ने किया था। और चीन ने इसी के कारण ही जो लाइव फायर ड्रिल है वह की थी। ठीक है, क्या चीन ने इसका विरोध किया था। नैन्सी पेलोसी कौन है, कांग्रेस की स्पीकर है, वह 52वीं स्पीकर है और पहली महिला चुनी गई थी नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिका के कांग्रेस की स्पीकर हैं। ठीक है, फिर देखें पडांग सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। पडांग कहाँ है और क्या है पडांग, मल्य भाषा में पडांग का अर्थ होता है मैदान। ठीक है, और पडांग है सिंगापुर में। और क्यों इसको किया है, क्योंकि पडांग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943, ध्यान रखना, वर्ष 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और पडांग कहाँ पर है, ये सिंगापुर में है। फिर देखें कि वैश्विक शांति के लिए मेक्सिको ने रखा 3 सदस्य आयोग का प्रस्ताव, किसने रखा था, आंद्रे मेनुअल लोपेज ने।
आंद्रे मेनुअल लोपेज ने कि बोला था कि ऐसे 3 सदस्य होने चाहिए जो कि वैश्विक शांति कर सकें। कौन कौन इसमें सदस्य बताए थे? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र सचिव महासचिव एंटोनिया गुटारेस और पोप फ्रांसिस को इसका 3 सदस्य के बारे में बताया था। और कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करना इसका, और वैश्विक शांति आयोग का इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, क्या वैश्विक शांति के लिए मेक्सिको ने किया था प्रस्ताव, और कौन थे राष्ट्रपति? आंद्रे मैनुअल लोपेज ने। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया व्यापक जलवायु एवं स्वास्थ्य देखभाल कानून पर हस्ताक्षर। तो याद रखना कि ये बहुत बड़ा लगभग बिल था, 740 अरब डॉलर का बिल था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिका ने रखा था। फिर है खाद्य पदार्थों की महंगाई के मामले में श्रीलंका 5वें स्थान पर हो गया था। आपको पता है कि खाद्य पदार्थों की महंगाई श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस टाइम लेबनान के अंदर सबसे ज़्यादा थी, और उसके बाद 5वें नंबर पर किस में थी? श्रीलंका में। फिर बहुत ही चर्चा में रहा था मोगादिशु, जहाँ पर क्या हुआ, आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। और यह दक्षिण अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी है। कौन? मोगादिशु। और यहाँ पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए ये चर्चा में रहा था। मोगादिशु कहाँ का है? सोमालिया की राजधानी है। जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की थी? तो वह की थी जर्मनी ने। ठीक है, क्या? और इसको फ्रांस की कोई कंपनी है उसने बनाया है। जर्मनी ने हाइड्रोजन की जो पहली ट्रेन सेवा थी वह प्रारंभ की थी। फिर देखें कि स्कॉटलैंड में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने संबंधी कानून लागू हो गया है। तो कहाँ पर हुआ है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड ऐसा देश बन गया है जो माहवारी उत्पाद संबंधी या फिर पीरियड प्रोडक्ट है उसने एक पास किया है, जिसके तहत जो माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध होंगे। किसने? स्कॉटलैंड ने। और दुनिया का पहला ऐसा स्कॉटलैंड देश बन गया है जो मासिक धर्म संबंधी उत्पादों पर निःशुल्क पहुंच के अधिकार को कानूनी रूप से रक्षा करता है। फिर स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नाटो में शामिल होने के लिए कहा था, वो है आगे और बता देंगे आपको। फिर देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हुई थी 2022 में, उस वो खबर थी। तो अपने को इसमें ये देखना है कि रामसर स्थलों में सर्वाधिक, अपने एक तो ये देखें कि देश के अंदर कितना क्षेत्र था लगभग 2022 के अंदर, 13,26,670 हेक्टेयर हो गया था। और सर्वाधिक जो वेटलैंड थे या फिर आर्द्र भूमि थी वह कौन से राज्य में थी? तो सर्वाधिक थे तमिलनाडु के अंदर, और फिर थे उत्तर प्रदेश, और फिर थे ओडिशा के अंदर। एक तो अपने को ये याद रखना है, और फिर याद रखना है कि राजस्थान में कितने वेटलैंड हैं? 2 हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है कि 2022 में सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो घोषित किए गए थे भारत में। 2022 में कितने किए गए थे? 19 स्थलों को घोषित किया था। फिर देखें कि कब की है रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन कब का है? यह 2 फरवरी 1971 का है, ईरान के रामसर में हुआ था। और इसका काम है कि जो वेटलैंड है उनको संरक्षित करना। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत रामसर संधि के अंदर कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को हुआ था। फिर देश में समारोह पूर्व बनाया गया था 76वां स्वतंत्रता दिवस। इसके बारे में भी क्वेश्चन एक दो हैं, वो आपको बता देता हूँ कि 76वां जो बनाया गया था, हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या है, 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कौन सी बार फहराया था? 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कितनी बार फहराया था? 17 बार। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, और इंदिरा गांधी ने 16 बार, और मनमोहन सिंह ने 10 बार फहराया था, और मोदी जी ने 9वीं बार फहराया था। और इस बार 2023 के अंदर 10वीं बार फहरा देंगे। ठीक है, मोदी जी भी सबसे ज्यादा किसने फहराया है? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है पंचप्रण की घोषणा की थी मोदी जी ने, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर 76वां स्वतंत्रता दिवस था, और 25 वर्ष के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में देशवासियों से आने वाले 25 वर्ष के लिए पंचप्रण लेने की आह्वान किया था। कौन कौन से हैं पंचप्रण? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला प्रण था कि देश बड़े संकल्प लेकर सही चले। दूसरा यह था कि अपने मन के भीतर, आदतों के भीतर गुलामी का कोई भी अंश बचने नहीं देना। तीसरा था विरासत पर गर्व करें, और चौथा था, तीसरा है विरासत पर गर्व करें, और चौथा था एक
एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता। पांचवा था नागरिकों का कर्तव्य, नागरिकों का कर्तव्य। तो पंच प्रण आप याद रखें, मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर इनकी घोषणा की थी, ठीक है। फिर देखें अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई थी और यह कब तक चलेगा, यह 15 अगस्त 2023 को पूर्णतया होगा, जब तक अपना आरएएस का पेपर नहीं हुआ होगा। मतलब ठीक है, अभी अगस्त में 15 अगस्त आ रही है, तो 15 अगस्त तक यह चलेगा अमृत महोत्सव। फिर हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त 2022 में चलाया गया था। और फिर है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक बैलून छोड़ा गया था 76वें स्वतंत्रता दिवस पर। केंद्र ने मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स गठित की थी, किसके नेतृत्व में की थी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वी के पॉल के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठित की थी। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ मिला था, केरल में मिला था। कहाँ मिला था, दक्षिण के एकदम बिल्कुल, भारत के बिल्कुल एकदम दक्षिण में, केरल में मिला था। फिर है जगदीप धनखड़ के बारे में, यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले के कीठाना गांव के हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर मार्गरेट अलवा को पराजित किया। और इसके अलावा यह जगदीप धनखड़ कीठाना ग्राम झुंझुनू राजस्थान के हैं और राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं वो, कब से कब तक, 93 से लेकर 98 तक, ठीक है। और फिर है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मैंने आपको बताया। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी नामित किए गए थे 90 के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन, जगदीप धनखड़ कीठाना गांव झुंझुनू के हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के रह चुके हैं। नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 66(1), ठीक है, इनकी होती है नियुक्ति। और निर्वाचन भी इनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत माध्यम से होता है, ठीक है। देखें, ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु राज्य के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी संसद के सभी सदस्य हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। सभी सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और ऐसा उल्लेख किस में है, 66(1) में उल्लेख है, आर्टिकल 66(1) में। उसके अलावा अनुच्छेद 63 के अंदर कहा क्या, कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 आपको याद रखना है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 और 66 मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा भारत में उपराष्ट्रपति के पद के संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। जगदीप धनखड़ की अभी नियुक्ति 2022 में हुई थी, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो आप बताइए कि उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, वह किस देश से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और इसका निर्वाचन किस में है, निर्वाचन है 66(1) के अंदर। और उपराष्ट्रपति पद के बारे में किस में लिखा हुआ है, 63 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 63 में। फिर देखें कि केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति के 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी, ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट चीता के समर्थन में इंडियन ऑयल और NTCA के मध्य MOU हुआ था, प्रोजेक्ट चीता। तो इंडियन ऑयल इसके अंदर, प्रोजेक्ट चीता के अंदर हेल्प कर रहा है किसकी, NTCA की, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, इंडियन ऑयल। आपको तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कौन भागीदार है, तो इंडियन ऑयल भी भागीदार है। फिर है कि इंडियन ऑयल ने भारत के एक सिंगी गैंडे को पिछले वर्ष 2021 में शुभंकर के रूप में अपनाया था, किसने, इंडियन ऑयल ने किसको, एक सिंगी गैंडे को, ठीक है, शुभंकर बनाया था। फिर है प्रोजेक्ट चीता के बारे में, प्रोजेक्ट चीता के अंदर इसका क्या करना है कि ये क्या काम करता है, प्रोजेक्ट चीता का अभियान जो है भारत में विलुप्त होती गई जो भी एशिया चीता की जाति है, क्या नाम है इसका, एसिनोनिक्स एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिक्स,
एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिक्स, ठीक है क्या? यह भारत की प्रजाति है, लेकिन जो अपन अफ्रीका से लेके आ रहे हैं ना, उसका नाम, उस प्रजाति का नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस, एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस, ठीक है? ये साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है, चीता का है। भारत के अंदर जो प्रजाति थी वो एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिक्स थी, वेनाटिक्स याद रखना इसमें, और उसमें तो कौन सी थी? एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस थी, ठीक है। फिर देखें, सेना, रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान, और यह किसने कहा है? इप्सोस इंडिया ने एक सूचकांक या फिर रिपोर्ट जारी की, जिसके अंदर सबसे अधिक जो विश्वसनीय है देश में, वह लोगों ने वोट किया सेना को या फिर डिफेंस को। दूसरे स्तर पर था अपना बैंक, रिजर्व बैंक, और तीसरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये देखो, डिफेंस का स्थान पर प्रथम है, और प्रधानमंत्री का तीसरा है, आरबीआई का है सेकंड। फिर है न्यूनतम विश्वसनीय संस्थान, इप्सोस ने किसको बताया था? वोटिंग के आधार पर राजनेता को न्यूनतम मिले, कि लोगों को राजनेता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। फिर है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित। तो वन्य जीव संरक्षण विधेयक कब का है? पहले तो ये है कि 1972 का है। कब का है? 1972 का है। और इसके अंदर क्या है? एक तो साइट्स भी इसी के अंदर ही प्रावधान आता है। साइट्स के फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंगरेटेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब ये ना क्या काम करता है, कि जो भी स्पीसीज हैं उनको बेचने या फिर एक देश से दूसरे स्थान पर, मतलब कि बेचने के लिए, उसको यह कहता है कि ऐसे बेच नहीं सकते हो आप, उसका प्रावधान करता है अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इस विधेयक में शामिल क्या किया गया है, कि राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित करते समय आदिवासियों और वहाँ रहने वाले परंपरागत समुदायों को तुरंत विस्थापन को नहीं कहा जाए, तथा जब तक विस्थापन पूरा नहीं हो जाता उनके पानी आदि के अधिकार सुरक्षित रहें। तो यह विधेयक में क्या किया है? संशोधन किया है वन्य जीव संरक्षण विधेयक 72 के अंदर, ठीक है। फिर क्या है? सामान्य उल्लंघन के लिए राशि भी बढ़ा दी। पहले 25,000 थी, अब याद रखना है 1,00,000 है सामान्य उल्लंघन के लिए। विशेष रूप से कोई संरक्षित जानवर है उसके लिए पहले 10,000 ही थी, अब है न्यूनतम 25,000 रुपये, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और फिर देखें, लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब यूनेस्को विरासत सूची में शामिल की गई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पहली बात तो, कि कौन सी लैब है जो यूनेस्को विरासत सूची में शामिल की गई है? वह है लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब, ठीक है। लंगट सिंह कॉलेज है कहाँ पे? यह है मुजफ्फरपुर बिहार में है, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में, जिसकी एस्ट्रोनॉमी लैब है, किसमें डाली गई? यूनेस्को विरासत स्थल घोषित की गई है। मध्य प्रदेश बनेगा विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट स्थापित करने वाला राज्य। तो इसने खंडवा के अंदर, मध्य प्रदेश के खंडवा में क्या है, 600 मेगावाट का बिजली संयंत्र है, जो उनका जो ओंकारेश्वर बांध है वहां पर तैरता हुआ एक सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। फिर है बिहार में बनी थी महागठबंधन की सरकार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखें कि ड्रोन विकास हेतु सेना और डीएफआई क्या है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने एक समझौता किया है, और इसके अंदर समझौता किया है कि अपन एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ऐसे ड्रोन सेना के लिए बनाएं, तो ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि डीएफए के साथ, डीएफए ने किसके साथ ऐसा समझौता किया, या फिर सेना ने किसके साथ किया? तो डीएफए के साथ ऐसा समझौता किया है। उच्चतम न्यायालय ने मुकदमों की सुनवाई की कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत 26 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था अपना, उसके 26 अगस्त 2022 को लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ कर दी थी। और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना के कार्यकाल के अंतिम दिन यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन अपने से यह पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अदालती जो कार्रवाई थी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो एन वी रमन्ना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, और यह 48 में क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और यू ललित कौन से थे? यू ललित 49 नंबर के थे, और 50 में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ हैं, वो आगे आपको और बता दिया जाएगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि गुजरात हाई कोर्ट ऐसा पहला हाई कोर्ट था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ की थी, पूरे
पूरे देश में, ठीक है, अपने मामलों की। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है देश में? 25 हाई कोर्ट हैं, और गुजरात लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ करने वाला पहला राज्य था। गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है हर घर प्रमाणित वाला राज्य कौन सा बना पहला, तो वह था गोवा। गोवा के अतिरिक्त दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जहाँ पर सभी गांवों के लोगों ने अपने आप को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, जल जीवन मिशन पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन कब का है? 15 अगस्त 2019 का है, और इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक, कब तक? 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल की आपूर्ति करवानी है। विधानसभा बैठक के मामले में केरल प्रथम रहा था 2022 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैठकें विधानसभा की किसने की थी? केरल ने की थी, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखें कि गन हिल कैसे था, चर्चा में गन हिल क्या था, तो कारगिल के द्रास सेक्टर में 0.515140, ठीक है, कहाँ पर था? कारगिल के द्रास सेक्टर में 0.5140, इसका नाम क्या कर दिया गया? गन हिल कर दिया गया। कहाँ पर था? कारगिल के द्रास सेक्टर में था। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल ने 7 जिले बनाए थे, और इनकी बढ़ के संख्या कितनी हो गई? पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या वर्तमान में 30 हैं। फिर देखें कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया था 2022 में, वह किसको बनाया था? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, कहाँ पर था? वडोदरा गुजरात के अंदर था। उसे क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेडेड कर इसका नाम क्या कर दिया था? गति शक्ति विश्वविद्यालय। किसका नाम कर दिया था? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम कर दिया था गति शक्ति विश्वविद्यालय। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पर था ये? वडोदरा गुजरात के अंदर था। फिर देखें श्रीमद रामचंद्र मिशन के तहत इसके अंदर क्या है? एक योजना थी गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद रामचंद्र धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का मोदी ने शिलान्यास किया था। इसके तहत क्या है? वलसाड गुजरात के अंदर है। इसके अंदर क्या है कि श्रीमद रामचंद्र एक तो अस्पताल 250 बिस्तरों का, श्रीमद रामचंद्र पशु चिकित्सालय गुजरात के अंदर ही, कहाँ पर? वलसाड गुजरात के अंदर। और इसके अलावा श्रीमद रामचंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर फीमेल, ठीक है, ये सभी इनके अंदर थे, वलसाड गुजरात के अंदर, श्रीमद रामचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और अन्य। ठीक है, फिर है सफाई मित्र सुरक्षा सुरक्षित शहर कितने घोषित किए गए हैं? उन्होंने अपने को सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है। ऐसे 500 शहरों ने 2022 में समय को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दिया था। कितने शहरों ने? 500 शहरों ने। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है? हाँ, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते अभियान योजना शुरू की थी। ठीक है, किस किस ने? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, और दूसरा कौन था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते प्रारंभ की थी योजना। ठीक है, फिर देखें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स AI का निर्माण के लिए नीलेकणी सेंटर एट AI फॉर भारत को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया था? नीलेकणी सेंटर एट AI फॉर भारत। ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किसने किया था? तो IIT मद्रास ने किया था। फिर है उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम, ऐसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत ग्राम ऐसे 13 जिलों में बनाने की घोषणा की है, और राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में बातचीत करेंगे। ऐसा किसने प्रावधान किया है? उत्तराखंड सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है। उत्तराखंड उत्तर के अंदर है, उत्तराखंड। ठीक है, फिर देखो गगनयान मिशन हेतु क्रू एस्केप सिस्टम सफल ऑपरेशन किया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर कोई दुर्घटना हो गगनयान के लिए तो क्रू हैं जो भी अपने जा रहे हैं वो एकदम से बाहर निकल सकते हैं, क्रू एस्केप सिस्टम। ठीक है, फिर इसरो ने लॉन्च किया पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, इसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था स्पार्क। ठीक है, स्पार्क क्या चीज़ थी? यह 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम था। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था स्पार्क, 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। ठीक है क्या, फिर देखें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है।
और इसी की देख रेख के भारत के प्रधानमंत्री हो इसकी देख रेख कौन करते हैं? सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री इसरो के करते हैं। इसका मुख्यालय इसरो का कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ध्यान रखना, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि समीर वी कामत कौन है। ठीक है, फिर देखें कि रूस ने लॉन्च किया ईरान का पहला सैटेलाइट, तो ईरान के सैटेलाइट का नाम क्या था? इसका नाम था खयाम। खयाम, खयाम किसका सैटेलाइट था? ईरान का। ठीक है, खयाम, और रूस ने इसको लॉन्च किया था कृषि उद्देश्यों के लिए। खयाम लॉन्च किया गया था, ईरान का था। फिर है, रक्षा मंत्री ने कुछ सेना को आधुनिक उपकरण सौंपे थे, इसके अंदर एक थी निपुण। निपुण ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निपुण क्या था? तो निपुण है एंटी पर्सनल माइन थी, एंटी पर्सनेल माइन थी। क्या थी? निपुण एंटी पर्सनेल माइन, निपुण एंटी पर्सनेल माइन। फिर एक और देखें कि हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर था अनकूल्ड, जिसका क्या नाम था? अनकूल्ड। अनकूल्ड से तो अपने को क्वेश्चन दे देगा कि अनकूल्ड क्या था, तो हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर था। यह दिन और रात दोनों में तथा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में सैनिकों को दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए दृश्यता प्रदान करता है, अनकूल्ड। ठीक है, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है क्या? फिर है, ठीक है, तो अनकूल्ड क्या था? अनकूल्ड था हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर था, और इसके अलावा एक निपुण थी जो कि एंटी पर्सनल माइन थी। लेकिन एक क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल भी दिया था, जो किसने बनाया था? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया था। ठीक है, फिर वर्ष 2025 तक रिटायर होंगे MiG-21 बाइसन विमान। अपने से ये पूछा जा सकता है कि किस वर्ष तक, क्योंकि आरएस में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी है और उसके साथ डीआरडीओ भी है, तो अपने से पूछा जा सकता है कि MiG-21 बाइसन विमान कब तक रिटायर होंगे? तो वर्ष 2025 तक MiG-21 रिटायर हो जाएंगे। ठीक है क्या? फिर आगे चलते हैं, MiG-21 का बता दिया, 2025 तक हो जाएंगे। मलेशिया में कार्यालय खोलेगी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। किस अपने देश में अपना कार्यालय खोलेगी? तो मलेशिया के अंदर। ठीक है, और उसके बाद है, नौसेना में शामिल किया जाएगा स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, INS विक्रांत, जो कि शामिल हो गया है। इसके बारे में अपन अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। और इसे क्या है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। और उसके अलावा DRDO ने किया VLSRSAM सबका सफल परीक्षण। क्या है ये? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का DRDO ने सफल परीक्षण किया था, ऐसे उलझा सकता है अपने को। तो उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, 21,000 रासायनिक उर्वरक श्रीलंका को भेजे थे। और हाँ, भारत ने अफगानिस्तान की 10वीं खेप भेज दी है मानवीय सहायता की। उसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने तिरुनवेली जिले के अगस्तमलाई राज्य को पांचवा हाथी रिजर्व घोषित किया था। तो पांचवा हाथी रिजर्व किसने घोषित किया था? अपने से पूछा जा सकता है, अगस्तमलाई को। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया था। फिर है, हाँ, एशियाई विकास बैंक ADB ने कहाँ पर चलाया? भारत सरकार ने, ADB और भारत सरकार दोनों मिलकर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या है, एक अभियान चलाया। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। ADB और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर ढंग से करने के लिए एक समझौता किया था। किसने? ADB और भारत सरकार ने, के कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और फिर है, हाँ देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद हरियाणा में क्या है, अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। अमृता अस्पताल कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, अपने से पूछा जा सकता है, एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, अमृता अस्पताल इसका नाम है। कहाँ पर है? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। फिर है, पंजाब और हरियाणा सरकार ने सामूहिक तौर पर जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना, उसका नाम क्या कर दिया है? शहीद भगत सिंह है के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। इसके अलावा क्या है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी ना, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम,
उसकी सीमा में बढ़ोतरी करके अब क्या कितनी कर दी है, अब 5 लाख करोड़ कर दी है उसकी जो कोष था उसका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का, ठीक है। वह उसका कोर्स 5 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। पहले कितना था इसका, पहले था 4.5 लाख करोड़, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, 1.5% अनुदान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फॉर्च्यून ने जारी की ग्लोबल 500 की सूची, जो 500 मेन मेन कंपनियां हैं उनकी थी, तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन थी, इसने की थी जो वॉलमार्ट थी, ठीक है। क्या कौन सी थी, वॉलमार्ट कंपनी जो अमेरिका की है वह प्रथम थी। इसके अलावा 9 भारतीय कंपनियां इनके अंदर शामिल थी। प्रथम थी कौन सी, जीवन बीमा निगम, ये भारत की प्रथम थी, लेकिन वैसे इसको स्थान 98वां मिला था, ठीक है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसमें शामिल थी, और फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी शामिल था, ONGC भी शामिल थी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इसमें शामिल था, टाटा मोटर्स भी शामिल थी, टाटा स्टील, राजेश एक्सपोर्ट भी शामिल था। फिर है आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था कि बांग्लादेश की जो सड़कें हैं वो भारत सरकार यूज़ कर सकती है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं आगे, हाँ, 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित, तो ये कहाँ पर बनाया गया है, यह नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत, ठीक है, हरियाणा के पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर 10 अगस्त को राष्ट्र को समर्पित किया। तो अपने से यह पूछा जा सकता है कि 2G जो इथेनॉल संयंत्र है वह कहां पर बनाया गया है, तो वह बनाया गया हरियाणा के पानीपत में, और इसको किसने बनाया है, इसका निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। 2G जो संयंत्र है उसका निर्माण किसने किया है, 2G इथेनॉल संयंत्र का निर्माण किसने किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है, IOC ने किया है। फिर देखते हैं आगे, एक्सिस बैंक और FCI के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके तहत अल्टीमा सैलरी पैकेज जो FCI के जो सदस्य हैं या फिर जो वर्कर हैं उनके लिए खाता खोला था। कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार किसे दिया गया है, एक तो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए SBI को, ठीक है, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था, किस में था, कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार के अंदर, ठीक है। फिर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ बनेगा, चांदौली उत्तर प्रदेश में बनेगा। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ बनेगा, चांदौली उत्तर प्रदेश में बनेगा, ठीक है। फिर है कि उम्मीद मार्केट पैलेस, ये क्या है, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण की अवसर योजना के अंतर्गत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, श्रीनगर के अंदर किया गया था। मिथिला के मखाने को GI टैग मिला, मिथिला के मखाने कहाँ के हैं, बिहार के हैं। इसके अलावा 2016 में भागलपुर का जरदालू, कतरनी धान और नवादा के मगही पान और मुजफ्फर की शाही लीची को भी GI टैग मिल चुका है। स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो यह शुभारंभ किया गया, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ पुणे से किया गया, कहाँ से किया गया, पुणे से किया गया, पुणे महाराष्ट्र से। सुपरवासू की क्या, ऐसे पूछा जा सकता है, तो मालगाड़ी थी सुपरवासी, जो कि यह दी ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी थी, क्या नाम था, सुपर वासुकी थी, ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत संशोधित लक्ष्य के अंतर्गत 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, कब तक, 2025-26 तक हम क्या करेंगे, इथेनॉल मिक्स करेंगे कितना परसेंट, 20%, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों के अंदर, ठीक है क्या, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसार। गुजरात सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-23 के लिए घोषित की गई, और इसके साथ ही गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित की है, और किसने की है, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित की थी 2022-27 तक। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले थे, तो कौन कौन से मिले थे, एक तो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में सर्वाधिक क्षमता अधिकतम सोलर पावर क्षमता स्थापना के लिए मिला था, अक्षय ऊर्जा की स्थापना स्थापित क्षमता
2021 में बढ़ोतरी, मतलब जो रेट अपनी बढ़ी थी उसके लिए सोलर पावर स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई थी और सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना भी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड, जो कि आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि अक्षय ऊर्जा लिमिटेड राजस्थान की कब हुई थी स्थापना। राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करेगा, ठीक है। फिर राजस्थान हस्तशिल्प नीति आ गई थी, कब आई थी, 17 सितंबर 2022 को। और इसके अलावा हस्तशिल्प के लिए एक सेंटर खोला जाएगा, कहाँ पर खोला जाएगा, जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर है महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया। राजस्थान महिला निधि ऐसे घोषित करने वाला राजस्थान दूसरा था। 26 अगस्त 2022 को राजस्थान महिला निधि क्या है कि घोषणा की गई थी 26 अगस्त 2022 को। और तेलंगाना ऐसा पहला राज्य था जो जिसने कि महिला निधि की स्थापना की थी। और फिर देखें राजस्थान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग हेतु पुरस्कृत किया गया था राजस्थान, ठीक है, स्मार्ट वाटर सप्लाई के लिए। प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू, क्या है बालिका दूरस्थ योजना, तो बालिका दूरस्थ योजना के तहत क्या है कि प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत ऐसी बालिका और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा, बालिका दूरस्थ शिक्षा से, ठीक है। क्या कितने लड़कियों को इससे फ़ायदा मिलेगा प्रतिवर्ष, 36,300 लड़कियों और महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड घोषित किए गए, किनको दिए जाते हैं, ये क्रिकेटरों को दिए जाते हैं। सीनियर वर्ग में मथुरादास माथुर किसको दिया गया था, अनिकेत चौधरी को। जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को। सब जूनियर वर्ग में रोहन को। अनिकेत कहाँ के हैं, जयपुर में हैं। और अनिरुद्ध कहाँ पर है, कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं। और जूनियर वर्ग में रोहन को दिया है, वो कहाँ के हैं, वह भी जयपुर के हैं। रक्षा मंत्री ने किया वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण, तो कहाँ ऐसे पूछे जा सकते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री ने कहाँ पर किया था, तो जोधपुर के सलवा कल्ला गांव में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, ठीक है। हाँ, इस प्रतिमा को स्थापित करने की जिम्मेदारी जोधपुर के NRI अमेरिका में जो निवास करते हैं दिलीप करण ने ली थी। दुर्गादास राठौड़ की अपने से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ ने कहाँ पे किया था, तो सालवा कल्ला गांव जोधपुर में किया था। फिर राजस्थान डीजी फेस्ट 7-8 अक्टूबर 2022 को संचालित किया गया था। और इसी के अंदर RCAT क्या था, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 20 अगस्त 2022 को RCAT राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। फिर देखें कि हाँ, राजस्थान डीजी फेस्ट के अंदर क्या हुआ कि एक तो वेब माईवे क्या था, ये फ्रेमवर्क राजकीय क्षेत्रों में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी विभाग की डायनामिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है, वेब माई वे। यह राजस्थान डीजी फेस्ट के अंदर दिखाया गया था या फिर शो किया गया था। फिर विश्रोन क्या था, विश्रोन एक ड्रोन थे, पहले कृषि ड्रोन, भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन जिसका प्रदेश राजस्थान डीजी फेस्ट में उनका प्रदर्शन किया गया था। विश्रोन एक ड्रोन है, तो विश्रोन कृषि ड्रोन था जो कि डीजी फेस्ट में दिखाया गया था। और वेब माई वे भी एक था जो कि वेबसाइट डेवलपर था, ठीक है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किया गया था 2022 में, और कहाँ से शुभारंभ किया गया था, पाल गांव जोधपुर से, ठीक है। ग्रामीण ओलंपिक की बात हो रही है ना कि शहरी की, ठीक है क्या। फिर देखें कि 6 खेल इसमें शामिल थे, कौन कौन से थे, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल जो कि पुरुषों के लिए थे ओनली, खो खो महिलाओं के लिए था, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, सेरू था इसका शुभंकर, ठीक है। और इसका थीम सॉन्ग क्या था, चालो रे चालो साथीड़ा सारा मिलके खेला। और इसके अंदर जो आयु वर्ग कौन था, आयु वर्ग कितना था, 15 से 70 वर्ष के लोग इसमें खेल सकते थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। प्रदेश के 6 शहरी क्षेत्रों में खनिजों के विपुल भंडार चिन्हित किए गए हैं, कौन कौन से हैं 6 क्षेत्र वो देख लेते हैं।
जयपुर शहर का है चेजा पत्थर, जयपुर शहर का चेजा पत्थर जोधपुर के शहरी क्षेत्र में है, सैंडस्टोन मिला था जोधपुर के शहरी क्षेत्र में सैंडस्टोन, जैसलमेर क्षेत्र में पीला चूना पत्थर, जैसलमेर क्षेत्र में पीला चूना पत्थर, और ग्रेनाइट अजमेर में, ग्रेनाइट अजमेर में ठीक है, बीकानेर से वोल क्ले, सिलिका सैंड और बजरी व ग्रेवल, बीकानेर से बोल क्ले, सिलिका सैंड, बजरी व ग्रेवल, भीलवाड़ा का लोह अयस्क और मेसनरी स्टोन क्या है चिन्हित किया गया था ठीक है 2022 में, याद कर लेना इसको। राजस्थान के बच्चों ने बनाया देशभक्ति गीत गाने का विश्व रिकॉर्ड, क्योंकि 9 से 12 के बच्चे, कितने बच्चे थे ये लगभग, ये 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों ने बनाया था, है ना, किसका रिकॉर्ड बनाया था, ये देशभक्ति गीत का रिकॉर्ड बनाया था, 1 करोड़ बच्चे थे राजस्थान के उन्होंने ठीक है। फिर राजस्थान के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया था, कौन कौन थे, एक तो थे अपने कलेक्टर साहब जितेंद्र कुमार सोनी और दूसरे थे जगदीश प्रसाद रावत, जगदीश प्रसाद रावत, जितेंद्र कुमार सोनी को नागरिक सुरक्षा जो अपना पदक है उससे, नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया था जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद को ठीक है। डिजिटल माध्यम में सेवाओं की अदायगी में राजस्थान अव्वल रहा था 2022 में। फिर कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ क्या है, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 में सम्मानित किए गए थे, कौन, कुंभलगढ़ राजसमंद वाला और चित्तौड़गढ़, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, याद रखना ठीक है। फिर देखें आगे है, हाँ बीसी सखी क्या थी, बीसी सखी क्या है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के उपक्रम राजीविका से जुड़ी महिलाएं बैंकिंग क्रोस्पोंडेंट ठीक है, बैंकिंग क्रोस्पोंडेंट फुल फॉर्म क्या है बीसी की, बैंकिंग क्रोस्पोंडेंट सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देगी, जो भी राजीविका से जुड़ी महिलाएं हैं ना वो बैंकिंग क्रोस्पोंडेंट के रूप में, बैंकिंग क्रोस्पोंडेंट सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधाएं देगी, उनको बोला गया बीसी की। तो राजीविका की स्थापना कब की गई थी, राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी, इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। इन्वेस्ट मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी कहाँ किया गया था राजस्थान के लिए, इन्वेस्ट मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी दिल्ली में की गई थी। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी दी है, जोधपुर में, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर में स्थापित कर दी थी 2022 के अंदर। राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी रोहट पाली के अंदर हुई थी, और 18वां राष्ट्रीय राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ था, और राजस्थान को 66 वर्ष बाद राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी मिली थी। फिर रणबीर सिंह हैं, रणबीर सिंह है क्या है, प्रसिद्ध रंगकर्मी रणबीर सिंह हैं इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ठीक है, इप्टा के राष्ट्रीय, उनका निधन हो गया। और राजस्थान में मॉडर्न थिएटर को आगे लाने में अहम किरदार निभाया था, किसने, रणबीर सिंह ने। फिर है राजस्थान आवासन मंडल ने बनाया रिकॉर्ड कि RHB की स्थापना पहले तो कब हुई थी, फरवरी 1970 में हुई थी, और इसके द्वारा क्या काम कर दिया गया, मानसरोवर व प्रताप नगर चौपाटी में नवंबर 2021 से नवंबर दो मार्च 2022 के दौरान प्रदेश के 5 माह में लगभग 6,10,610 लोगों के प्रवेश फुटफॉल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था, किसने ये बनाया था रिकॉर्ड, तो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था। फिर तनिष्का श्रीवास्तव जयपुर की 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना है, और तनिष्का श्रीवास्तव ने दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक जीता है, किसने, तनिष्का श्रीवास्तव, कहाँ की है, जयपुर की है तनिष्का ठीक है, कथक नृत्यांगना है, और दुबई के अंदर स्वर्ण पदक जीता था तनिष्का श्रीवास्तव ने। कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र कहाँ पे है, कनकांचल और आदि बद्री क्षेत्र भरतपुर जिले में है, जहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है प्रतिबंध लगा दिया है खनन कार्य के लिए, कनकांचल और आदि बद्री क्षेत्र अपने ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहे थे, तो कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है, कनकांचल और आदि बद्री भरतपुर। सामाजिक समरसता अभियान जालौर में कुछ घटना हुई थी, तो उसी के कारण ही सामाजिक समरसता अभियान चलाया गया था, टीबी मुक्त ग्राम अभियान भी चलाया गया था राजस्थान के अंदर। फिर प्रदेश का पहला मोटर मार्केट, प्रदेश की पहली मोटर मार्केट कहाँ पर तैयार की जाएगी,
यह कोटा के अंदर, ठीक है, सुवेस्ती मार्केट प्लेस कोटा के अंदर पहली देश की या फिर प्रदेश की, सॉरी, राजस्थान की पहली मोटर मार्केट कहाँ की जाएगी? कोटा के अंदर की जाएगी या फिर संचालित की जाएगी। समाई माता क्षेत्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है, जिसे अब इको टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समाई माता सेंटर कहाँ पर है? समाई माता कहाँ पर है? ये समाई माता क्षेत्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है समाई माता, ठीक है, क्षेत्र। फिर है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी कृषक और मजदूर है, उसकी कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो उसको सहायता राशि दी जाती है। कितनी? 2 लाख राशि दी जाती है, और भीलवाड़ा के अंदर ऐसी किया गया है। मानिनी कौशिक, जयपुर की मानिनी कौशिक ने जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 20वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसने जीता है? मानिनी ने, ठीक है। रूपा खेड़ा तामनसेरी, यह क्षेत्र कहाँ पर है? रूपा खेड़ा तामनसेरी कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा का स्थल है, और मैग्नीज के लिए ऐसे के भंडार और खोजे गए हैं रूबा सेरा रूपा खेड़ा तामनसेरी में। रूपा खेड़ा तामनसेरी बांसवाड़ा के अंदर है, जहाँ पर मैग्नीज के भंडार पाए हैं। इसके अलावा अपन मैग्नीज के भंडार और भी देख लेते हैं, जैसे कि बांसवाड़ा के काला खूंटा, तामनसेरा, रूपा खेड़ा, नवा गाँव। ज्योग्राफी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काला खूंटा, तामनसेरा, रूपा खेड़ा और नवा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह मैग्नीज के लिए, और कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और राजसमंद का नेगड़िया, राजसमंद का नेगड़िया भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, हाँ, यह किसके अधीन आती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? कि योजना के बारे में क्या है कि चिरंजीवी परिवारों को लगभग 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को, महिला परिवारों की जो महिला मुखिया है ना, उनको 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। किनको? चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, ठीक है। गोगा मेडी मेला कहाँ पर लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी मेला लगता है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है, गोगा मेडी मेला। फिर प्रोफेसर सुधीर राजीव की क्या नियुक्ति की गई? हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर सुधीर राजीव की अगस्त 2022 में नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा फिर क्या है? मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता कौन है? मधुकर गुप्ता को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा द्वारा राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया। मधुकर गुप्ता, ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य की मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। किन के स्थान पर आई है? यह PS मेहरा के स्थान पर आई है, प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर। इनका कार्यकाल कितना होगा? 65 वर्ष होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसके अलावा अन्य नियुक्तियाँ की क्या की गई है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है कहाँ पे? जोधपुर। और उनकी जो अध्यक्ष कौन की गई है या फिर कुलपति? बिनाका मालू की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में इकराम राजस्थानी को अध्यक्ष बनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में है पहली बात तो, और इसका अध्यक्ष इकराम राजस्थानी को बनाया गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में सरोज कोचर को बनाया गया है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रामकृष्ण शर्मा को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है, और शिवराज छंगाणी को अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है, और हुसैन रजा खान को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के अंदर गांधी जी पर जो एक फिल्म थी, रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित ऑस्कर विनर फिल्म गांधी का निःशुल्क प्रदर्शन 24 अगस्त से 1 सितंबर को किया गया था। तो स्वतंत्र 75 वर्ष पूरे होने पर क्या है, राजस्थान सरकार ने गांधी जी की जो मूवी थी, गांधी नाम की जो, उसको निःशुल्क प्रदर्शन किया था राजस्थान में, ठीक है। फिर है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 65वें सम्मेलन हेलीफैक्स कनाडा में हुए, और इनमें क्या है, जो अपने सीपी जोशी है, उन्होंने
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाग लिया था, किसमें? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 65वें सम्मेलन में, ठीक है। और इसके अलावा अपन देख लेते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया डेलाइट इंडिया के साथ समझौता, किसके लिए किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक लाने के उद्देश्य से कंसल्टेंट एजेंसी डेलाइट इंडिया के साथ एक समझौता किया कि कब कितनी ला दे, 10 खरब डॉलर ला दे, ठीक है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश में बनेगी देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, और अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एजुकेशन टाउनशिप बनेगी जहां पर एक साथ कई कोचिंगें आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा बनेगा, एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश, एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश। और ठीक है, इसके इसका विषय क्या होगा या फिर इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रस्तावित टाउनशिप सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, अर्थात कोरे कागज़ की तरह आइए, कोई हुनर लेकर जाइए, कोरे कागज़ की तरह आइए, कई हुनर लेके जाइए के विचार पर आधारित होगी। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया। अपने से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रेडियो जयघोष का शुभारंभ कहाँ किया गया था, या फिर रेडियो जयघोष का संबंध किस है, उत्तर प्रदेश से हैं। और यह मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या है, 9 अगस्त 2022 को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर ऐसा किया था। और काकोरी ट्रेन के बारे में बता देता हूँ कि 9 अगस्त 1925 को ही राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान और उनके 7 साथियों ने मिलकर काकोरी घटना को अंजाम दिया था। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान और उनके 7 साथी थे, ठीक है, क्या याद रखें। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए 23 भाषाओं में मिले हैं, और हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रेमे के लिए दिया गया है, अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को दिया गया है टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को दिया गया है, उनकी कविता संग्रह ओनान के लिए दिया गया है। और साथ ही इनको इनका कितनी राशि दी गई है, 50,000 रुपये साहित्य युवा पुरस्कार में दिए गए हैं। लेकिन साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में 22 भाषाओं में दिए गए हैं, और इनको भी 50,000 दिए जाते हैं। पंजाबी भाषा के लिए यह पुरस्कार इस वर्ष किसी को भी नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए शमा शर्मा को दिया गया है, शमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए। और इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए आशिया सतारा को दिया गया है, उनकी जो कृति है उसका नाम क्या है, महाभारत फॉर चिल्ड्रन है, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम। फिर राजस्थानी भाषा के लिए विश्वामित्र दादिज को माछड़िया रा आंसू, माछड़िया रा आंसू के लिए इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर यूनेस्को शांति पुरस्कार पूर्व जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल को दिया है, 2022 का क्या यूनेस्को शांति पुरस्कार अंजेला मर्केल को दिया गया है। फिर कीर्ति व शौर्य चक्रों की घोषणा की गई थी, तो 3 कीर्ति चक्र 2022 में दिए गए थे, और 13 शौर्य, 3 कीर्ति 13 शौर्य, 3 कीर्ति 13 शौर्य दिए गए थे, ठीक है। सुनील छेत्री वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर घोषित किए गए थे, और ऐसा 7वीं बार सुनील छेत्री को खिताब यह मिला है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है, मनीषा कल्याण को 2021-22 के लिए चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वह है सुनील छेत्री, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है फुटबॉल की, वह है मनीषा कल्याण। इसके अलावा शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, शशि थरूर को कौन सा मिला है, सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, द लीजन ऑफ ऑनर, किसका है यह पुरस्कार, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद है शशि थरूर वर्तमान में, ठीक है। फिर है भारतीय मूल की आर्या वोलवेकर को मिस इंडिया यूएस का खिताब मिला, मिस इंडिया यूएस आर्या वोलवेकर, मिस इंडिया यूएस आर्या वोलवेकर। फिर है जेफरी आर्मस्ट्रांग, ऐसे को प्रतिष्ठित, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं आगे, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ पर हुआ, 15वां जॉर्जिया के अंदर हुआ था, ठीक है। और फिर चलते हैं आगे, डॉक्टर सी डी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, तो यह डॉक्टर प्रतिभा को मिला है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डॉक्टर प्रतिभा रे को, डॉक्टर प्रतिभा रे को सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके अलावा इन्हें
प्रतिभा मैडम को 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री एवं 2022 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कौन सा मेडल दिया गया था 2022 में? लिबर्टी मेडल से नवाजा गया था। लिबर्टी मेडल से किसे नवाजा गया था? व्लादिमीर जेलेंस्की को। दलाई लामा को कौन सा दिया गया था? डिपाल आर एन जिम डस्टन अवार्ड, लद्दाख का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड है दलाई लामा को दिया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। हाँ, डी एंड्रा डोटिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं डी एंड्रा डोटिन। ठीक है, महिला क्रिकेटर हैं ये है। और फिर देखते हैं 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई भारत के अंदर किया गया था। और इसके अलावा इसमें भारत ने 2 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर 7 पदक जीते थे। ठीक है, 2, 1, 4 याद रखना। ठीक है, शतरंज ओलंपियाड 44वां चेन्नई भारत के अंदर हुआ था। और स्वर्ण पदक ओपन सेक्शन के अंदर उज्बेकिस्तान ने जीता था। महिला 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 सेक्शन के अंदर यूक्रेन ने यह मेडल जीते थे। इसके अलावा वी प्रणव भारत के ग्रैंड मास्टर, 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वी प्रणव आनंद। ठीक है, फिर है आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 सोफिया बुल्गारिया में हुई। ठीक है, और हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पंघाल बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी थी। कौन? अंतिम पंघाल कहाँ की है? हरियाणा की है। ठीक है, सोफिया बुल्गारिया के अंदर जो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी अंडर 20, उसमें अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता था अंडर 20 के अंदर। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आगे है मनीषा कल्याण UFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है। कौन? मनीषा कल्याण। ठीक है, UFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है मनीषा कल्याण। का संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल से हैं। फिर चलें अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी और भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली थी। ठीक है, क्या फिर है ऋषभ पंत उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। राज्य में युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नीरज चोपड़ा प्रतिष्ठित डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे 2022 के अंदर। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। फिर है राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पढ़ लेते हैं। 2022 में होते 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे और या फिर कॉमनवेल्थ गेम इन्हीं को कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल को। आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंगम में किया था और भारत ने क्या है 22 स्वर्ण 16 रजत 23 कांस्य जीतकर टोटल 61 जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। प्रथम स्थान राष्ट्रमंडल खेल के अंदर ऑस्ट्रेलिया का था, भारत का स्थान चौथा था। 22 16 23 आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि शतरंज ओलंपियाड के अंदर भारत ने कितने जीते थे तो 2 1 4 2 1 4 टोटल 7 जीते थे। इसके अंदर कितने जीते थे? इसके अंदर जीते 22 16 23 किसके अंदर? बर्मिंगम कॉमनवेल्थ के अंदर। ठीक है, फिर है कि शुभंकर क्या था बर्मिंगम राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का? पेरी था। ठीक है, पेरी द बुल। ठीक है, फिर 178 पदक जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने और राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा था। फिर हॉकी में देखिए, देखें थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष हॉकी में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था या फिर रजत पदक प्राप्त किया था। महिला हॉकी में भारत ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। महिला क्रिकेट के अंदर भारत ने दूसरा स्थान या फिर रजत पदक प्राप्त किया था। ठीक है, हाँ, तो फिर है कि पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। निखत जरीन और अंजिता शर्त कमल टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी हैं वह जो समापन कार्य है उसके अंदर ध्वजवाहक रहे थे। राष्ट्रमंडल खेल 22वें बर्मिंगम में हुए थे। फिर देखें कुछ खिलाड़ी हैं कुश्ती से संबंधित, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे।
बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि दहिया, नवीन मलिक, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का संबंध किससे है? इनका संबंध है कुश्ती से है। स्वर्ण पदक जीते थे बर्मिंगम में। न्यायमूर्ति यूयू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश 2022 में बने थे। आपको पहले बताया मैंने, पहले कौन थे आपको पहले बता दिया था, 48 में थे रमन्ना, 49 पर थे कौन से ये मुख्य यूयू ललित, और उसके बाद 50 में कौन है DY चंद्रचूड़। ठीक है, हाँ ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यायमूर्ति यूयू ललित दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पूर्व किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, ये किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। कौन? यूयू ललित। ठीक है, उनसे पहले 1971 में देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी भी यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश है। तो SM सीकरी और दूसरे कौन है, यूयू ललित, दोनों ही किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले नहीं चुके रहे हैं और सीधे ही क्या बन गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद फिडे के उपाध्यक्ष बन गए हैं, और विश्वनाथन आनंद हैं जो 5 बार विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष घोषित किए गए हैं या फिर चुनाव निर्वाचित हो गए हैं। राजस्थान के हैं CP जोशी। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी CSIR क्या है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। ठीक है, पीयूष गोयल नेट ग्रिड के नए CEO। तो नेट ग्रिड क्या है, नेट ग्रिड एक खुफिया ग्रिड एक एजेंसी है, और नेट ग्रिड का मुख्यालय दिल्ली में है और डाटा रिकवरी केंद्र इसका बेंगलुरु में है। ठीक है, रंजीत रथ OIL के नए चेयरमैन चुने गए हैं, रंजीत रथ। ठीक है, सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC। CVC कौन बनाए गए ने, सुरेश एन पटेल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुरेश एन पटेल। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल कौन बनाएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। और फिर है हाँ, तो CVC के मतलब कौन करता है चुनाव, इसको करते हैं प्रधानमंत्री हो गए, फिर केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष के नेता मिलकर राष्ट्रपति को कहते हैं कि इनको आप CVC बनाइए। ठीक है, हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकार द्वारा फरवरी 1964 के संतानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था। CVC किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, देखें CVC किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस बहुसदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष होता है जो कि सुरेश एन पटेल को बनाया गया है, और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष का लोकसभा का नेता होता है, और इनकी जो कार्यकाल की अवधि है 4 वर्ष 65 वर्ष होती है CVC का कार्यकाल। डॉक्टर सुजाइला थाउसेन ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया था सुजाइला थाउसेन को। थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे, वायुसेना के है VR चौधरी, DRDO के है समीर वी कामत और संजय अरोड़ा, दिल्ली पुलिस के आयुक्त पद संभाला है, नौसेना के है R हरि कुमार। ठीक है, राजकिरण राय जी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के नए MD बने थे। ठीक है, और फिर चलते हैं आगे दोस्तों, तो आगे है साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख नियुक्त किए गए थे। और फिर है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में क्या हुआ, जो पृथ्वी सम्मेलन था ना, उसमें इसकी घोषणा की गई थी, और 94 से UNFCCC लागू हुआ था, और UNFCCC ही 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि है और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की भी मूल संधि है।
विलियम रूतो केन्या के राष्ट्रपति निर्वाचित, विलियम रूतो केन्या के राष्ट्रपति, ठीक है। फिर प्रोफेसर रामदार सिंह हैं USA में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं। मंडला क्या है? मंडला आदिवासी बहुल मंडला जिला मध्य प्रदेश के अंदर है। देश का पहला कार्यपालक कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है। मंडला जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है, मध्य प्रदेश का मंडला। महत्वपूर्ण दिवस दे सकते हैं, महत्वपूर्ण दिवस में अपन देखें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति भी 9 अगस्त को हुई थी। 1942 में क्या हुआ, करो या मरो का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, फिर विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को, बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को, पारसी नववर्ष या नवरोज 16 अगस्त को, अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को अफगानिस्तान का, और विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, ठीक है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व गुजराती दिवस 21 अगस्त को, विश्व महिला समानता दिवस 26 अगस्त को। पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि राजस्थान में महिला निधि को प्रारंभ किया गया था 26 अगस्त 2022 को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर को मनाया गया था। इसकी थीम थी सींग दी अनसीन दी वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर था कि हाँ, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में इंदौर एमपी में आयोजित किया गया था, जनवरी 2023 के अंदर। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी थी 2022 में, तो यह थी इंडिया, भारत और पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी ऑफ सैंडविच सिविलाइजेशन। यह थी जे दीपक साई की, अनवाउंडेड अभियानंद की, द हीरो ऑफ टाइगर हिल कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की थी, शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग वैभव पुरेंद्र की थी, चैलेंज टू ए लिबरल पॉलिटी ह्यूमन राइट सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी, यह मोहम्मद हमीद अंसारी की थी, अश्मिता का संघर्ष शशि थरूर की बुक थी, और कश्मीर 370 के साथ और बाद जितेंद्र दीक्षित की, ठीक है। फिर NAFIS क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसके द्वारा कोई भी अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके फिंगरप्रिंट से उसके डेटा सब ले लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक मृत व्यक्ति की ऐसी किया गया था, ठीक है, और उसके सारा डेटा लिया गया था, तो NAFC, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। फिर है भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक हुई है, और कुशियारा नदी की अंतिम जल बंटवारे के बारे में इसमें चर्चा की गई थी, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, हाँ ये पढ़ लेते हैं, त्रिपुरा के सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फैनी नदी के जल ग्रहण स्थल और उसके डिज़ाइन को अंतिम रूप देने का स्वागत किया गया इसमें, ठीक है। और भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में किया गया था। श्रम मंत्रियों की राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह है तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर 2022 में। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। फिर मृदा विज्ञान पर 22वीं विश्व कांग्रेस ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, और इसकी थीम क्या थी, सोइल साइंस क्रॉसिंग बाउंड्रीज चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है। फिर नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में हुआ था, नशीली दवाओं पर। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था,
थीम थी पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। शु देखें ये सुमंग लीला महोत्सव, सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 में कहाँ पर किया गया था? ये सुमंग लीला महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर का है। माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। झारखंड जनजातीय महोत्सव रांची झारखंड में था। और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधीनगर गुजरात में किया गया था आयोजित। 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोलकाता में आयोजित किया गया था। और हिम ड्रोन एथोन कार्यक्रम भारतीय सेना को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथोन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत को ड्रोन हब लीडर बनाने का लक्ष्य किया रखा है। तो कब तक? 2030 तक ड्रोन हब लीडर बनाने का भारत को लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। स्माइल 75 पहल क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। निराश्रय और भिक्षावृत्ति में जो लोग रह रहे हैं उनकी आजीविका सुधार हेतु है स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लेवलीहुड एंड एंटरप्राइज, स्माइल। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। मिशन भूमिपुत्र का संबंध असम से है। और इसमें क्या है? छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे। मिशन भूमिपुत्र असम। चिराग योजना हरियाणा की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए है चिराग योजना। ठीक है, और फिर है वोस्तोक अभियान, पढ़ते हैं ऑपरेशन अभियान और अभ्यास। वोस्तोक रूस में किया गया था आयोजित, और संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारत चीन रूस बेलारूस मंगोलिया और तजाकिस्तान का। भारत चीन रूस बेलारूस मंगोलिया और तजाकिस्तान के साथ में। उदार शक्ति और हरिमाऊ किसके बीच में होता है? उदार शक्ति और हरिमाऊ होता है भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच होता है। ठीक है, उदार शक्ति और हरिमाऊ। फिर है वज्र प्रहार भारत और अमेरिका में, भारत और अमेरिका में वज्र प्रहार 13वां संस्करण बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया था। बकलोह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है, वज्र प्रहार। फिर है 13वां वज्र प्रहार था ये। ठीक है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा अटलांटिक में सैन्य अभ्यास किया गया था। कहाँ पर? अटलांटिक में। और इसका नाम क्या था? MPX, MPX। ठीक है, फिर अभ्यास पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पोर्ट पर था। और इसमें भारत सहित टोटल 17 ने भाग लिया था ऑपरेशन पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया। वियतनाम और भारत का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स भारत और वियतनाम का चंडी मंदिर के अंदर हुआ था। कहाँ पर? चंडी मंदिर, भारतीय सेना की पश्चिमी मुकाम चंडी मंदिर में किया गया था भारत वियतनाम का विनबैक्स। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और ओमान के बीच में होता है। चौथा संस्करण बीकानेर के महाजन फील्ड फाइंडिंग रेंज में हुआ था। अल नजा 4 भारत और ओमान के बीच। फिर लंपी प्रोवेक इंड नाम की जो वैक्सीन थी वह उसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, फिर है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंदर है और यह काफ़ी चर्चा में था। गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने हेतु नामित किया है गरबा नृत्य को। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया गया। दही हांडी महाराष्ट्र का एक साहसिक खेल का दर्जा दिया गया था। और अगर इसमें मृत्यु वगैरह हो जाए, घायल हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए 10 लाख, घायल हो जाए तो 5 लाख। पिंगली वेंके पर डाक टिकट जारी की गई। पिंगली वेंके कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज भारत के वास्तुकार थे। फिर आते हैं क्वेश्चन कुछ कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने यहाँ पर सभागार, कृषि व्यवसाय, अभिभाषण, केंद्र स्वास्थ्य और केंद्र पर्यावरण अनुकूल पर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र तथा इंडोर खेल हॉल सहित 4 सुविधाओं का उद्घाटन अगस्त 2022 में किया है। विगत 6 वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 8 पुरस्कार काजरी को मिले हैं। ए और बी दोनों सही हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर है 2 नंबर क्वेश्चन कि
वज्र प्रहार 2022 का कौन सा संस्करण बकलो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था 13वां संस्करण हुआ है। ठीक है, वर्ष 2022 के बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए हैं साहित्यकारों को कौन सा युगम सुमेलित है, मछलरियारा आंसू किसको मिला था, विश्वामित्र दादिज को, सही है। महाभारत फॉर चिल्ड्रन ये किसके लिए था, ये क्षमा शर्मा का नहीं था, ठीक है, तो इसमें ये एक तो ये सुमेलित है। फिर पंचतंत्र की चुनिंदा बाल कहानियाँ आर्ष्या सतार ये भी गलत है, तो पहला ए है जो थर्ड का वह सही है, माछड़ियारा आंसू विश्वामित्र दादीश को। मंडला किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला है जिसे भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया, मंडला मध्य प्रदेश में है, मंडला मध्य प्रदेश में है। फिर है हाँ 23 अगस्त में और 2022 में संपन्न विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या थी, इसकी थीम पहले देखते हैं, अल्टीमेट सोर्स फॉर लाइफ और ऑन द अर्थ, वाटर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ब्लू प्लेनेट, सीइंग द अनसीन ऑफ वैल्यू ऑफ वाटर, यह थी। ठीक है, सीइंग द अनसीन ऑफ वैल्यू ऑफ वाटर, इसके अंदर मध्य प्रदेश और इसके अंदर माछड़ियारा आंसू ये है, निशान लगाता हूँ, 13वां संस्करण क्या था, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, बैटरी रह गई 10%। जुलाई 2022 में निम्न सम्मेलन प्रदर्शनी को सम्मिलित कीजिए, श्रम मंत्रियों का सम्मेलन तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था, सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो यहीं नई दिल्ली में हुआ था, डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था, तो यह सम्मिलित है। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हेरिटेज को। ठीक है, फिर है चैलेंज टू ए लिबरल पॉलिटी ह्यूमन राइट्स सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद हमीद अंसारी, मोहम्मद हमीद अंसारी हैं। ठीक है, किस देश में पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित विश्व की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है, तो वह है जर्मनी। ठीक है, वह है जर्मनी। कांग्रेस के किस सांसद को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो वह किसके किया गया है, शशि थरूर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस नदी पर अटल टनल का उद्घाटन किया है, कहां पर किया है, इसमें से ये किया है साबरमती नदी पर, कहां पर, गुजरात में अटल टनल साबरमती नदी पर। निम्न में से कौन सा रामसर स्थल अपने राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से वडुवूर पक्षी अभयारण्य केरल के अंदर है, और इसके अलावा यही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वडुवूर पक्षी अभयारण्य ना यही सम्मिलित नहीं है। और सुजीद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, नंदा झील गोवा में है, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, तो वडुवूर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, एक बार चेक करता हूँ मैं, सही है तमिलनाडु में, वडुवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। बिहार में बनी महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, कौन सी बार ली है, सातवीं बार ली है या फिर आठवीं बार ली है या फिर नौवीं बार ली है या फिर दसवीं बार ली है, तो इसका सही उत्तर है आठवीं बार ली है। ठीक है, क्या आठवीं बार ली है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जगदीप धनखड़ का संबंध किस स्थान से है, झुंझुनू राजस्थान से है, झुंझुनू राजस्थान से है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किस राज्य में है, जहां पर भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 4 का आयोजन किया गया है, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में है। तो दोस्तों यह था करंट अफेयर्स अगस्त माह, अगस्त और सितंबर का, प्लीज़ आप इसे एक बार और देखें और याद कर लें, और इसी के अलावा ऐसे ही आगे 10 से 12 वीडियो और आएंगे जिसमें से आरएस से पहले पहले का करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।